सब लोग। और आज है संडे का दिन और मैं बस हो चुका है मेरा नहाना वगैरह और पूजा भी हो चुकी है और मम्मी किचन में चाय बना रही है और मैंने सब नाश्ते की कटिंग चॉपिंग सब कर ली है। तो नाश्ते में जो आज मैं बनाने जा रही हूँ वो है आलू उबाल के उसकी सूखी सब्जी और पूड़ी। तो अवनी और हस्बैंड ने डिमांड करी थी कल कि उनको यही खाना है तो मैंने सोचा चलो ये कर लेते हैं। तो मैंने कल रात में ही सब चॉपिंग वगैरह सब कुछ एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं तो उससे क्या आसानी रहती है, तो वो सब कर लिया था। और सुबह उठ के फिर मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह तो होती ही है, नेचुरल है वो, तो झाड़ू पोछा सब बालकनी गमलों में पानी देना उसमें 1.5 घंटा आराम से निकल जाता है। और अभी बस मम्मी चाय बना रही हैं और मैं जाके फटाफट पहले आलू की सब्जी छौंकूंगी और एक आलू मैंने ज़्यादा उबाले हैं तो थोड़े से आलू का मैं कूर बना लूँगी, पराठे वगैरह काम आ जाएगा पराठे वगैरह में, तो वो भी मैं कर लूँगी। और उसके बाद फिर लंच पता नहीं करेंगे कि नहीं क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बाहर जाना है कुछ काम से, तो इसलिए हैवी नाश्ता करेंगे जिससे कि पेट भरा रहे। तो बस अब चलते हैं फटाफट किचन में और सबसे पहले तो चाय पियेंगे उसके बाद मैं शुरू करूँगी। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा प्लीज़, और लाइक और शेयर और कमेंट भी करिए। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, आलू मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए हैं, प्याज वगैरह चॉप कर लिया है दो जगह, एक तो मैं आलू और टमाटर की सब्जी बनाऊंगी सूखी और एक मैंने चॉप करके रखा है प्याज आलू का कूर बनाने के लिए पराठे के लिए। तो इतनी तैयारी कर ली है। और ये देखिए अवनी अभी तक नहाई नहीं है, बिना नहाए अभी वो पढ़ाई कर रही है, थोड़ी देर में नहाएगी। तो बस ये सारी तैयारियां चल रही हैं, अभी आलू उबल रहा है उसमें सीटी आ रही है और ये सारी तैयारियां मैंने पहले ही करके। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज आलू बनाऊंगी सूखे उबाल के उसके लिए मैंने प्याज टमाटर करी पत्ता हरी मिर्ची ये सब मैंने पहले से ही सब कट करके रख लिया है, तो उसमें क्या है आसानी पड़ती है जब भी बनाने के लिए जाओ। और मैं जो ये आलू उबाल रही हूँ इसमें से आधे की तो मैं सूखी सब्जी बनाऊंगी और आधे का मैं आलू का कूर बनाऊंगी जिससे कि कभी भी जब मन करे तो हम लोग पराठे बना सकें। तो उसके लिए मैंने आलू को बारीक चॉप कर लिया है और ये बारीक हरी धनिया आलू के कूर में डालने के लिए, और ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा प्याज टमाटर चॉप किया है कि अगर वो डोसे का बैटर वगैरह बना के रख लूँ तो वीक डेज में मुझे आराम मिल जाएगा, तो ये भी मैंने चॉप करके रखा है। तो ये सब तैयारी साइड बाय साइड जो पूड़ी आलू बनाने जा रहे हैं उसके साइड बाय साइड ये सब भी मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि आज है संडे और नाश्ता इतना हैवी करने के बाद लंच पता नहीं करेंगे कि नहीं, और शायद हम लोग फिर कहीं निकल भी जाएं कुछ काम है तो उस हिसाब से नाश्ता हैवी कर रहे हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं, आलू उबल गए हैं उनको पील करेंगे और अभी मम्मी पूजा कर रही हैं, अभी उनकी पूजा खत्म नहीं हुई है तो मेरी पूजा अभी भी बाकी है, तो बस उसके बाद फटाफट शुरू करते हैं। और ये देखिए मम्मी पूजा कर रही हैं पूजा घर में और मेरी पूजा अभी बाकी है, मुझे करनी है। तो मम्मी की पूजा जैसे ही हो जाएगी मैं चली जाऊंगी पूजा करने, उतने बीच में मैंने आलू वगैरह उबाल लिए हैं, चॉपिंग वगैरह सब कर ली है, तो इससे क्या है टाइम बच जाता है। और इधर अवनी भी अपनी स्टडी कर रही है और ये मैं आ गई हूँ फिश टैंक के पास फिशेस को दाना देने के लिए, क्योंकि उनका दाना बाकी था, बाकी खरगोश वगैरह कबूतर को सबको खाना मैंने खिला दिया है। तो बाकी अब मैं किचन में आई हूँ ये आटा मारने के लिए पूड़ी का, तो आलू तो चढ़े ही रहे हैं ऊपर, बनी रहे हैं साइड बाय साइड बॉईल हो ही रहे हैं, पर अभी वो इतने गर्म है कि मैं उन्हें पील नहीं कर सकती, तो इसके लिए जब तक मैं आटा मार लेती हूँ। तो आटा भी पूड़ी के हिसाब से मड़ेगा, टाइट मड़ता है पूड़ी के हिसाब से आटा, बाकी रोटी वगैरह का आटा तो ढीला मड़ जाता है लेकिन पूड़ी का आटा आपको टाइट ही मारना पड़ता है।
और आलूओं को मैं कुकर से बाहर निकाल लूंगी, यहाँ पे सिंक में ओपन में, जिससे कि आलू की जो हीट है उससे आलू और ना गल जाएं। इसलिए इसको फटाफट बाहर निकाल लेना चाहिए अगर आपको आलू और नहीं गलाने हैं, और इसमें झट से ठंडा पानी डाल दीजिए तो क्या है कि ये आराम से पील हो जाएंगे और आलू अपनी हीट से और गलेंगे भी नहीं। तो ये एक बात है। और अभी मम्मी देखिए पूजा करके किचन में आ गई हैं, और देखिए अभी वो चाय बना रही हैं। तो जब पूरी आलू में तो टाइम है, क्योंकि अभी देखिए अवनी भी नहीं नहाई है, हस्बैंड ने भी नहीं नहाया है, बाकी देखिए आटा वगैरह सब मर गया है, तो इतनी तैयारी हो गई है। तो बस ये दोनों नहाकर जब आ जाएंगे तो फटाफट गर्मा गर्म पूड़ियाँ सिक जाएंगी। तो इन द मीन टाइम मैं और मम्मी अपनी सुबह की पहली चाय पी लेंगे। तो चाय के बिना तो दिन अधूरा ही है, तो इसलिए सबसे पहले मम्मी चाय ही बनाती हैं। और इधर मैं आ गई हूँ आलू पील करने के लिए। आलू ठंडे हो चुके थे तो फटाफट आलूओं को पील कर लेते और चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और मैंने बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा दी है आलू की सब्जी बनाने के लिए। तो कढ़ाई चढ़ा दी है और बस अब सब्जी बनेगी। और जब तक तेल गर्म हो रहा है तो मैंने आज जो उबले आलू हैं उनको छोटा छोटा काटना स्टार्ट कर दिया है। मैं काटना ही भूल गई थी आलुओं को उबालने के बाद। छोटा छोटा काटना है, रफली कोई प्रॉपर नहीं काटना है। और सबसे पहले मैंने जीरा डाल दिया, करी पत्ता, हरी मिर्ची डाल दी, और साथ ही साथ कटा हुआ प्याज डाल दिया। तो करी पत्ता, हरी मिर्ची, जीरा बस फटाफट डाल देना है, नहीं तो जल जाएगा। और अब थोड़ा सा बस प्याज भून लेंगे। और मैं बार बार कैमरे को इसलिए देख रही हूँ कि मुझे लग रहा है पता नहीं प्रॉपर शूट हो रहा है कि नहीं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न थी। तो बस यही है। और मम्मी भी आ गई हैं चाय थोड़ी सी गर्म करने के लिए, चाय ठंडी हो गई थी तो बस वो इसीलिए आ गई हैं। और मैंने देखिए प्याज थोड़ा सा बस भून ली, भूनने के बाद इसमें मैं कटा हुआ ये टमाटर डाल दूंगी। सूखी बना रही हूँ। लास्ट टाइम जो आपने मेरा ब्लॉग वीडियो देखा था उसमें गीले आलू की सब्जी बनी थी भंडारे वाली, तो अब की बार सूखी बोला था हस्बैंड ने, तो मैंने फिर सोचा चलो सूखी बना देते हैं। ऐसे तो हम लोग आलूओं को काट के बनाते हैं छोटे छोटा छिलके के साथ, लेकिन आज इस तरीके से बना रहे हैं। और इसमें बस नमक, हल्दी और मिर्चा डालेंगे, धनिया मैं नहीं डालती हूँ। तो ये बस डालने के बाद थोड़ा सा इसको मसाले को भूनना है, जिससे कि टमाटर थोड़ा सा गल जाए। और चाय मम्मी गरम कर रही है और हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं साथ साथ, और ये सब काम भी होता जा रहा है तो इसमें टाइम का पता भी नहीं पड़ता है। देखिए चाय दे रही हैं, दोबारा ये दूसरी चाय है और मेरी चाय हो चुकी है, मम्मी की भी हो चुकी है, थोड़ी सी बच गई थी तो सोचा चलो अभी एक और एक एक कप हो जाए। तो मम्मी ने पूछा चाय पियोगी, तो मैंने मना नहीं करा क्योंकि चाय को मैं कभी मना कर ही नहीं सकती। तो अब मैं चाय पीना स्टार्ट करती हूँ और साथ में आलू भी हो रहा है। बस मसाला ऑलमोस्ट भुन गया है, मैं थोड़ा सा पानी का छींटा डालूंगी जिससे कि मसाला जल ना जाए। और इसमें अब हम लोग डाल देंगे उबले हुए आलू, और इसको धीमी आंच कर देंगे, नहीं तो आलू जल सकते हैं। और ये रसेदार वाली नहीं बना रही हूँ मैं, करी वाली, ये मैं सूखी बना रही हूँ। यूजुअली हम लोग आलू को छिलके के साथ छोटे छोटा काटते हैं और प्याज के साथ छोंक के बनाते हैं पूड़ी के साथ, लेकिन आज ये वाली सब्जी का मन था सबका, तो ये सब्जी आज इस तरीके से बना रहे हैं। तो देखिए आलू की सब्जी बन के रेडी हो गई है, अब इसको हरे धनिए से गार्निश कर देंगे और हो गई आलू की सब्जी रेडी। बस अभी इसमें बहुत इजी है, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, और ये नाश्ता भी पेट भराऊ होता है, अच्छा लगता है, कभी कभी तो कर लेना चाहिए। और बस अब मैं इसको सर्विंग बोल में सर्व कर दूंगी, जिससे कि कढ़ाई धुल जाए और कढ़ाई धुल के रख दी जाए, क्योंकि जितना साइड बाय साइड काम हो जाएगा उतना आराम मिलता है, नहीं तो बर्तन भर जाते हैं और बड़ी मुश्किल आती है, इसलिए साइड बाय साइड करते रहना चाहिए। और इधर देखिए मम्मी पढ़ रही हैं न्यूज़पेपर, और साइड बाय साइड वो पज़ल भी करती हैं सॉल्व, उनको पज़ल सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हस्बैंड देख रहे हैं टीवी, और बस यही रूटीन चालू है घर का, अभी छुट्टी के दिन तो ऐसे ही रहता है।
और यहाँ पे मम्मी को पेपर पढ़ने का बहुत शौक है और उस पजल सॉल्व करने का बहुत शौक है। तो चाय के साथ मम्मी अपना न्यूज़पेपर एंजॉय कर रही हैं, फिर अभी देखना कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएंगी और सारे पजल सॉल्व करेंगी। मम्मी का ये पुराना शौक है। और इधर अवनी नहा के आ चुकी है और बस अब मैं ये कर रही हूँ आलू के पराठे के लिए आलू का कूट तैयार, क्योंकि आधे आलू मैंने निकाल लिए थे। तो जब भी मन करेगा वीकडेज में कभी आलू के पराठे बन जाएंगे, कूट रेडी रहेगा तो बन सकता है। तो इसीलिए मैं छुट्टी के दिन ये सब प्रिपरेशन कर लेती हूँ। आपने पहले भी मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, आलू का कूर बना लेना, डोसे का बैटर बना लेना, मूली के पराठे के लिए मूली का कूर बना के रख लेना। तो इसमें बहुत हेल्प हो जाती है वीक डेज में, वरना बहुत हेक्टिक लग जाता है। तो फटाफट मैं आलूओं को मैश कर लूँगी और इसमें मैंने वो प्याज कट करके रखा ही था, मैं चॉप करके आपने देखा ही था स्टार्टिंग में, और वो बस डाल के उसमें बस छोटा सा नमक और लाल मिर्चा डाल के हो जाएगा कूर रेडी। तो इतना करके रख लो तो आपको बहुत इजी रहता है। इधर अवनी आ गई है किचन में अपना अंडे का पोच बनाने के लिए। उसने कहा मम्मा मैं खुद बनाऊंगी, आप मत बनाओ, क्योंकि उसको कुकिंग का बहुत शौक है, उसको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं बनाने के लिए। तो उसने फटाफट देखिए अपना तवा खुद चढ़ाया, गैस खुद ऑन करी, खुद ही ऑयल ले रही है, कुछ भी हेल्प नहीं लेती है। देखिए खुद ही अंडा लेकर आई और उसको खुद ही कायदे से देखिए ब्रेक करेगी, और बहुत बढ़िया पोच बन के रेडी हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखिए मैंने क्लोजअप भी लिया है, मुझे ये बहुत आराम है कि अगर उसको थोड़ी छोटी छोटी भूख लगती है तो वो अपना सब खुद ही बना लेती है। मैं कहती भी हूँ अवनी मैं बना दूँ तुम खा लेना, लेकिन नहीं वो खुद ही बनाएगी, बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं करती है। तो ये एक अच्छी आदत है उसमें और उसको शौक भी है। और देखिए थोड़ा सा उसने अपने अंदाज से नमक भी डाल लिया है और अब वो बस इसको प्लेट में अपने प्लेट में सर्व करेगी। और देखिए किस तरीके से वो धीरे धीरे जिससे कि टूटे ना। और पोच की तो यही खासियत है कि जो उसका एग योक है वो प्लफी रहे, जले नहीं, तो और वो प्लफी रहे। और देखिए ये देखिए कितना सुंदर उसने प्लेट में निकाला है कायदे से कि एक जरा सा भी वो स्पिल नहीं हुआ बाहर। और इधर मम्मी ने पेपर वगैरह पढ़ लिया है और अब वो आ गई हैं किचन में मेरे साथ पूरी बनवाने के लिए। तो बेल बेल वो रही हैं और तल तल के मैं निकाल दूंगी। तो अगर दोनों लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो जल्दी पूड़ियाँ बन जाएंगी, क्योंकि अवनी ने अपना पोच खा लिया है और हस्बैंड वेट कर रहे हैं नाश्ते की। तो अब बिल्कुल ठीक टाइम है, दोनों लोग आ चुके हैं और मैंने एक भगोने में कागज लगा के रख दिया है जिससे कि उसमें पूड़ियाँ छान छान के निकालते रहेंगे। तो ये देखिए मम्मी लोइयां बना रही हैं और मैंने कढ़ाई में तेल वगैरह डाल दिया है। तो बस अब फटाफट गर्मा गर्म पूड़ियां बन के रेडी हो जाएंगी, तो नाश्ता भी हो जाएगा जल्दी से। और इतना हैवी नाश्ता करने के बाद फिर लंच तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और ये देखिए बीच बीच में मैं आपने देखा होगा कैमरा भी सेट कर रही हूँ कि हम दोनों फ्रेम में आ पाए। और ये गई है छोटी सी गाय की पूड़ी, गाय बोल दीजिए या डॉगी बोल दीजिए, मुंबई में तो गाय दिखना बहुत मुश्किल है, हम लोग कुत्ते नहीं तो चिड़िया वगैरह को ही दे देते हैं। तो ये पहली तो छोटी सी गाय या कुत्ते की ही होती है, देखिए कितनी प्यारी है। और अब हम लोगों की पूड़ियाँ बनने को स्टार्ट हो गई हैं, मम्मी एक एक करके बेलती जा रही हैं और मैं एक एक करके निकालती जाऊंगी। तो जब चार पांच पूड़ियाँ हो जाएंगी तो फिर हम लोग उसको सर्व करना स्टार्ट करेंगे।
देखिए कैसे मम्मी जल्दी जल्दी से सब पूड़ी बना रही हैं, और अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मम्मी अकेले ही सेक रही हैं, अकेले ही बेल रही हैं। मैंने कहा मम्मी अभी आप करो तो मैं आपका एक फुल फ्रेम में एक वीडियो शूट करती हूँ। तो देखिए कितनी गर्मा गर्म फुली फुली पूड़ियाँ निकल रही हैं मम्मी के हाथों की। और सारी पूड़ियाँ फूल चुकी हैं, बन चुकी हैं, और अब मम्मी बरसने का काम कर रही हैं। तो 4 प्लेट लगा दी हैं। तो देखिए अभी सबके में आलू रखेंगी, फिर आम का अचार रखेंगी, और देखिए कितना टेस्टी आलू लग रहा है, लाल लाल और हल्दी पड़ा हुआ सुंदर सा आलू, और उसके साथ गर्मा गर्मा फूली हुई पूड़ियाँ। अलग ही मज़ा है इस नाश्ते का। तो बस अब नाश्ते कर लेंगे तो एक अच्छे से मतलब सब निपट जाएगा काम। फिर लंच का कोई चक्कर नहीं है, लंच करेंगे कि नहीं करेंगे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि इतनी लेट ही हो गया है, कुछ 10:30 का वक्त हो रहा है इस वक्त। तो इतनी देर से ब्रेकफास्ट करेंगे तो लंच के लिए तो भूख लगती ही नहीं है, और हम लोगों को कहीं बाहर भी जाना है तो बस वही है। देखिए अभी मम्मी अचार परस रही हैं और फिर हम सब लोग बैठ के एक साथ नाश्ता करेंगे। नाश्ता परस दिया गया है और मम्मी देखिए सबको जा जा के सबकी टेबल पे दे रही है नाश्ता। ये सबसे पहले हस्बैंड को दे दिया और अवधि का नाश्ता पहले ही रख दिया था, वो गई है हाथ धोने के लिए, और मेरा और मम्मी का नाश्ता भी मम्मी ने लाके टेबल पे रख दिया है। और देखिए ये कैसे अवधि कैमरे से बाहर भागती है, खुद को दिखाती नहीं है कैमरे में, कहती है मुझे शूट मत करो, अपना ही शूट करा करो, मुझे मत फ्रेम में लाया करो। तो मैं उसको और तंग करती हूँ। और देखिए सब हम तीनों बैठ गए हैं और टेस्टी सा नाश्ता कर रहे हैं गरम गरम, और बहुत स्वाद आ रहा था, बहुत ही। एक तो भूख लगती है सुबह नहाने के बाद सबसे पहले, और उसके बाद फटाफट ऐसा नाश्ता मिल जाए तो कहने ही क्या। तो बस फटाफट अभी हम लोग ये नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को निकलना है, हम लोग फिर रेडी होके निकलेंगे। और मम्मी बोली कि टोमेटो सॉस भी ले आओ, तो मैं ये देखिए तीनों को टोमेटो सॉस भी दे रही हूँ। मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा, और लाइक और शेयर और कमेंट्स भी करिएगा, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।